लो अमेरिका देख लो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए वहां, जहां शंकर की आराधना नहीं होती थी वहां भी आज के जमाने में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की आराधना। जहां बर्फ जमी होती है देशों में, मंदिर नहीं मिलता तो बाहर जाकर शंकर का शिवलिंग बना लेते हैं बर्फ का, और उसकी पूजन कर वहां पशुपति व्रत कर लेते हैं। वहां इतना विश्वास लोगों का ज्यादा है पशुपति व्रत के प्रति, शंकर के एक लोटे जल के प्रति। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आप विदेश कथा करने नहीं जाते, हम उनसे कहते हैं देश से ही फुर्सत नहीं मिल रही तो विदेश जाके कर कर क्या करें। ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश ने हमको आमंत्रित नहीं कर। सोमानी जी प्रत्येक देश से हर जगह से आमंत्रण आते हैं, हम वीजा करा देते हैं, हम पासपोर्ट करा देते हैं, आप आओ, आपको यहाँ पहुंचना है, हम आदमी भेजेंगे उसके साथ में आना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। ना ना, यहीं से फुर्सत नहीं मिल रही है, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं, कहाँ जो यहाँ से फुर्सत में है वो विदेश जाए। मेरा कुबेर भंडारी रत्ती भर फुर्सत में नहीं है तो विदेश में जा क्या करेगा। जो फुर्सत में वो जा सकते हैं, विदेश में जाकर फोटो भी खिंचवा लेंगे, छब्बा भी देंगे, सब कुछ होगा। हमसे कोई कहे तुम ना, टाइम समय क्या। अरे तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई मुझे कैसे भगवान को भूल जाऊं, कैसे। भजन ना भूले, शंकर का गुणगान ना भूले। आज प्रसन्नता है, विदेश के लोग भी शंकर की आराधना कर रहे हैं। आज प्रसन्नता है, विदेश में बैठे हुए लोग भी शंकर का पशुपति व्रत कर रहे हैं। आज प्रसन्नता है जो विदेश में भी, विदेश में भी मेरे भारत के प्रधानमंत्री जाकर मंदिर का निर्माण कर पा रहा है। आज प्रसन्नता, आज विदेश में जाकर भी मेरे भारत के प्रधानमंत्री मंदिर की ओपनिंग करे, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करे, उसकी आनंदता आज प्रसन्नता हो। तो फिर ये सब कुछ यही का तो है, फिर क्या। लोग कहें गुरुजी फिर कभी ना जाओगे, हमने कहा जब मौका बाबा देगा पहुंच जाएंगे, परंतु उतना याद रखिएगा शिव तत्व, शंकर कंकर कंकर शंकर की स्मरण। एक बार ये बात हमने कही दी थी तो किसी ने कह दिया था तुम फिर नेपाल काहे को जाते हो, वो भी तो विदेश है। तो हमने उनसे कह दिया हमारे आधे महादेव यहाँ है, आधे महादेव वहां है। बिना डोलेश्वर महादेव के 11.5 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आता है। आप बिना डोलेश्वर पशुपति नाथ के बिना दर्शन के